हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, आज देखेंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, जिसमें भाग वन देखेंगे। भाग वन में चार आर्टिकल हैं और इन चारों आर्टिकल को कैसे याद रखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि ये है लेकिन ये किस में है, किस आर्टिकल में, उसके कोड से हम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। और देखिए, सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र। कल अनुसूचियाँ आपने पढ़े तो उसमें भी था संघ और राज्य क्षेत्र या संघ और उसका क्षेत्र। तो आपने क्या देखा, मैंने कोड बताया था यूटी, यानी कि पहला जो भी उसका यूटी ही रहेगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। टी टी का वन होता है, मैं लिखता नहीं हूँ, बस आप देखिए जो कैप्स बना दिया उसका मतलब होता है। और उसका मतलब क्या होता है आप उसके लिए कोड आपको जानना होगा, और कोड जानने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख लीजिए। अदरवाइज आप खोज सकते हैं कि कंप्यूटर से तेज दिमाग कैसे करें, या फिर आप एक और वीडियो है जिसमें लिखा है कि टावर चालीसा केवल बी टेक वाले ही सारे एग्जाम क्यों क्लियर करते हैं, ऐसे करके लिखा होगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट है पॉइंट टू, नए राज्यों का गठन। नए राज्य उन राज्यों की बात करते हैं जो हमारे भारत में नहीं है, पहले से नहीं है, बाहर से कोई आकर के हमारे यहाँ भारत में विलय हो जाता है, तो उन राज्यों की बात करते हैं, वो होते हैं, वो कहेंगे नए राज्य, नए राज्यों का गठन। तो उन्हें केवल हमें कोड याद रखना है न्यू, नए राज्यों का गठन यानी कि न्यू, एन का मतलब दो, यानी कि दूसरे दूसरे अनुच्छेद में लिखा गया है नए राज्य। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के राज्यों के अंदर, यानी कि हमारे भारत के अंदर कोई भी राज्य है अगर दो भागों में टूट करके बन रहा है, जैसे यूपी बन गया, उत्तराखंड और यूपी, ठीक है। अभी बात चल रही थी कि यूपी पूर्वांचल में बनेगा, उत्तरांचल पश्चिमांचल इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे आंध्र प्रदेश टूट करके बन गया क्या क्या, ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो इसी तरह से अगर भारत के मैप में, भारत के राज्यों में से कोई राज्य में कोई टूट करके बन रहा है, नया राज्य बन रहा है, या फिर कोई इसी सीमा का इधर उधर हो रहा है, सीमा का चेंज हो रहा है, और नाम का कोई चेंजेज कर रहे हैं, तो उसका वो दिया गया अनुच्छेद मा में। क्यों, आप इसको कैसे याद रखेंगे कि भारत के अंदर किसी भी राज्य का गठन होगा या फिर सीमा का चेंज होगा या फिर नाम का बदलेगा, तो उसे कौन चेंज करेगा, भारत माँ। देखिए क्यों मैंने इस तरह से माँ क्यों बनाया, क्योंकि देखिए कोई भी ना अगर बच्चा जन्म लेता है, कुछ भी होता है, तो नामकरण भी कौन करता है, माँ करती है, तो भारत माँ ही करेगी हमारे नए राज्यों का गठन, चाहे सीमाओं का आदान प्रदान चेंज, कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री रहेगी और नाम, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो अनुच्छेद दो और तीन के अधीन जो भी विधियाँ बनाई जाती है, इस पर पूरा संसद का अधिकार होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा का, और राज्यसभा और लोकसभा में कौन होते हैं, हमारे आदमी होते हैं, आर लिखेंगे, ओ यू आर, तो यू का मतलब हो गया कितना, यहाँ से आर का मतलब होता है, मैंने यहाँ से गलती कर दी, ओ यू आर जो कैप्स में होगा उसी का कोड होता है। देख लीजिए इसका हो गया वन, एन का दो होता है, एम का थ्री होता है, आर का फोर होता है, बस आपको कोड याद रखना है, ये सब तो नहीं है, वन टू थ्री याद रखने की जरूरत ही नहीं, इस तरह से आपको सारे याद हो रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। नए राज्यों का गठन यानी कि बाहर के राज्य हो रहे हैं, तो न्यू हो गया, इसी तरह से सब आप देख लेंगे। चलिए इसके बाद भाग दो देखेंगे, भाग दो में है सिटीजनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।